हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लोग के लिए 8 से 14 जून के सारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो उन लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखा है, उनके लिए ये वीडियो रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। और जिसने हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देखा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में टीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिंह। हाल ही में डीएलएफ के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एसबीपी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। बात करें एसबीपी की फुल फॉर्म की तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। बात करें हाल ही में गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। और उत्तराखंड की बात करें तो उसकी कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डन और मोनार्क हैं एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड वी ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड वी ऐप लॉन्च की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नई मासा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। बात करें आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी। बात करें गवर्नर की तो श्री बिस्वा भूषण हरी चंदन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने यमुनेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UNADAP। बात करें UNADAP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राजगीत की मान्यता दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राजगीत की मान्यता दी है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। बात करें उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट थॉमस। हाल ही में कोर्ट थॉमस जो कि एक पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन थे इनका निधन हो गया। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुबली स्टेशन। बात करें हाल ही में कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तक गोरखपुर में जो कि 1366 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि यूपी में है। बात करें कर्नाटक के हुबली स्टेशन की तो इसकी लंबाई 1400 मीटर किया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडसइंड बैंक। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जावेद इकबाल वानी को। हाल ही में जावेद इकबाल वानी को कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। बात करें जम्मू कश्मीर के कैपिटल की तो जम्मू एंड श्रीनगर, श्रीनगर समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय नेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान आवंटित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 101,500 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुशील सिंगल जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एराइज और किसने एसएसए और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसरो। बात करें इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, चेयरमैन है के सिवान। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स गठित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जया जेटली जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। बात करें चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। बात करें चाइना की करेंसी की तो रेनमिनबी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने की निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में किसने ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि अध्यादेश का प्रचार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में कब रूसी भाषा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 जून को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। बात करें राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में किसने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेक महिंद्रा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिरंजीवी सर्जा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
हाल ही में किस जाने माने गीतकार को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जावेद अख्तर। हाल ही में जाने माने गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया। यार अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में किस समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी G20 ग्रुप। बात करें G20 का हेडक्वार्टर है मैक्सिको में, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। IIFL ने फाइनेंस ने हाल ही में किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा। हाल ही में IIFL ने रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। IIFL की बात करें तो इंडियन इन्फो फाइनेंस लिमिटेड है। बात करें IIFL के चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं यस श्रीधर, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 जून को। हाल ही में 9 जून को विश्व प्रत्यायन यानी कि वर्ल्ड एक्सीडेशन डे मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CAT बेंच का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ A&B यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CAT बेंच का उद्घाटन किया। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख की कैपिटल है ले, उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी CSIR। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने हैज आई कमिट लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड प्रोड्यूसर का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनिल सूरी जी का। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया जो कि हाल ही में कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया, वे फुटबॉल से जुड़े हुए थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक पिन समिट की मेजबानी कब करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2021। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। रोटरी इंडिया और किसने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NCERT। NCERT के फुलफॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाल ही में किसने फ्यूजो एसए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV के विलय को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी CCI। CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में राजमार्ग अभियान पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किस राज्य का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला। बात करें कर्नाटक के तो कैपिटल है बेंगलुरु में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। बात करें डेनमार्क की कैपिटल की तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनिल वलूर को। बात करें गूगल के तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। बात करें गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। बात करें गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाल ही में किस ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार का निधन हो गया?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूपर्ट ही ने। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाल ही में भारत का कौन सा आर्थिक उपाय 493.48 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोनिका कपिल मोहताजी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 जून को, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 8 जून को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 168वें स्थान पर। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना शुरू की है। बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ। बात करें गवर्नर की तो बात करें गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किन शोधकर्ताओं ने बेकार पालतू बोतलों का उपयोग करके उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने की तकनीक विकसित की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी IIT मंडी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश में एशियाई शेरों की आबादी में हुई 29% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिया में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट यानी कि OHE ओवर हेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन रेलवे। बात करें इंडियन रेलवे के वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चेयरमैन की बात करें VK यादव यानी विनोद कुमार यादव जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 जून को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्विटर। बात करें ट्विटर के वर्तमान CEO हैं जैक डॉर्सी। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। बात करें ट्विटर के हेडक्वार्टर की तो कैलिफोर्निया में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बात करें हाल ही में बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका, करेंसी है ढाका। बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो शेख हसीना जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जी किशन रेड्डी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारतोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संजीता चानू जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 9.5%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस फैसिलिटी के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं पर द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किसने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DIAT। DIAT पुणे ने हाल ही में COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि के लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11,540 करोड़। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किस उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलजार डेहलवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल के कैपिटल है कोलकाता। बात करें ममता बनर्जी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर की बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थान को जगह मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 यूनिवर्सिटीज को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमोतो पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 साल का। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 2020 तक भारतीय रेलवे में सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार 0 यात्री मृत्यु दर रही? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2019-20। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साइट्स। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में किस यूरोपीय कप विजेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टोनी ड्यूने। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी में। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किस यूक्रेनी मुक्केबाज ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्वास्टिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। बात करें वर्ल्ड बैंक के तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मलपास, हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई
IHBT ने हींग और खेसर की खेती के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएई। यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। बात करें यूएई के करेंसी की तो यूएई दिनार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाल ही में रूस के अलेक्जेंडर सस्टो पर डोपिंग के लिए कितने साल का बैन लगा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 साल का। बात करें रूस के अलेक्जेंडर सस्टो पर डोपिंग के लिए 4 साल का बैन लगा है। रूस की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। बात करें रूस के संसद के तो पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। बात करें रूस के चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR 3rd प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इस देश के मानवरहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना। बात करें चाइना में मानवरहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। बात करें चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत पर सिकुड़ने का अनुमान जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.7%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में किसने पहले राइज ओवर हेड चालू करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन रेलवे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रतनलाल को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में किस टेलीविजन अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जगेश मुखाती। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 108वें स्थान पर। बात करें फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन। बात करें फीफा के हेडक्वार्टर की तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआ जो हाल में सुर्खियों में था किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआ जो हाल ही में सुर्खियों में था असम राज्य में स्थित है। बात करें असम की कैपिटल दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के बात करें गवर्नर की तो जगदीश मुखी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेज़न। बात करें अमेज़न के CEO हैं जेफ बेजोस। अमेज़न की स्थापना 1994 में हुई थी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 जून को। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इस
जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरे रंग की पट्टी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सरकार ने SMS सेवा के माध्यम से GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीरो रिटर्न। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए वैद्यनाथन।